आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं से हिंदी का पाठ तीन देखते हैं। पाठ तीन है हमारा भाई और बहन। मगर ये पाठ हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो 30% कम कर दिया गया है, इसलिए हम देखेंगे इसके आगे का पाठ। पाठ चार से हम पढ़ना चालू करेंगे। तो पाठ चार है हमारा अभिनंदनीय भारत। तो इसमें जो कविता है वो पहले हम पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ समझेंगे। तो कविता हमारी जो है, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। तो यहाँ जो कवि है वो भारत भूमि के बारे में हमको बता रहा है और उसके महत्व के बारे में यहाँ पर हमको समझाया गया है कि मतलब जिस प्रकार हमको देश से प्रेम करना चाहिए, है ना, तो बतलाया गया है इसमें कि है जन्मभूमि, मतलब जहाँ हमने जन्म लिया हमारी जन्मभूमि क्या हो जाएगी, भारत। और कर्मभूमि भारत, मतलब जहाँ हम काम करते हैं वह हमारी क्या कहलाती है, कर्मभूमि कहलाती है। हे वंदनीय भारत, मतलब हम ये भारत हम तुम्हारी वंदना करते हैं, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। अभिनंदनीय भारत, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं कि हमने इस पावन धरती पर जन्म लिया। जीवन सुमन चढ़ाकर, मतलब जीवन का हम अपना बलिदान दे करके हम आपका आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्म भर मतलब हम आपकी वंदना हम करते रहेंगे, हम आपकी अर्चना करते रहेंगे। फिर दिया हमको, महिमा महान है, महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म जन्म भर हम साधना हम का अर्चना करेंगे। मतलब यहाँ जो कवि जो कहना चाहता है कि आपकी जो महिमा है वो कितनी बहुत महान है, आपका जो गौरव है वो निधान तू है, गौरव निधान मतलब अर्थात आपका जो गौरव है बहुत बहुत बड़ा है, तू प्राण है हमारी जननी माता समान तू है, मतलब तू हमारा प्राण है और हमारी जननी, जननी हमारी जो माता है उसके समान है, है भारत भूमि के लिए बोल रहा है। तेरे लिए जिएंगे, हम तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, मतलब है भारत भूमि हम तुम्हारे लिए जिएंगे तुम्हारे लिए ही मरेंगे, तेरे जन्म जन्म भर हम साधना करेंगे, हम जब तक हमारा जीवन रहेगा हम तुम्हारी साधना हर प्रकार से करते रहेंगे, आपकी रक्षा करते रहेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। अर्थात जिसका मुकुट हिमालय, हिमालय जो है हमारा वो बहुत विशाल है, वो जो भारत के मुकुट के समान जगमगा रहा है, मतलब अर्थात वो हमारे शत्रुओं से रक्षा कर रहा है। सागर जिससे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, सागर बहुत विशालतम जो सागर है वो हजारों रत्नों से भरे हुए उसके जो पैर हैं वो धो रहा है, वह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे, यह देश हमारा है हम ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, मतलब इस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी बनी है, उसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे, संस्कृति सुरभि पवन बन कर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका अर्थ सरल शब्दों में समझते हैं कि इसमें जो कवि कहना चाह रहा है वो भारत भूमि की बारे में बातें करता हुआ कहता है कि भारत भूमि की वंदना को हम हमेशा करते रहेंगे, हमें अपनी इस जन्मभूमि कर्मभूमि पर गर्व है,
हमारे देश की महिमा जो है महान है, भारत के सिर पर जो हिमालय मुकुट के रूप में सुशोभित हो रहा है, हिमालय सीमा पर अडिग होकर भारत माता की रक्षा कर रहा है, हम इस देश के लिए हम सर्वस्व निछावर करेंगे, हम मर मिटेंगे परंतु आपको कभी विपत्ति आने नहीं देंगे, हम भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए भारत को आदर्श देश बनाएंगे, इसकी स्वतंत्रता और उत्कृष्ट की ज्योति को हम कभी समाप्त नहीं होने देंगे, ऐसा विश्वास हमारे मन में हर समय रहता है। अब इसके देख लेते हैं हम शब्दार्थ। पहले दिया है हमको जन्मभूमि, जन्मभूमि मतलब जहाँ हमारा जन्म हुआ, कर्मभूमि जहाँ हम कर्म करते हुए जीवन जीते है, वंदनीय यानी पूजनीय। फिर दिया हमको सुमन, सुमन होता है पुष्प। आराधना यानी पूजा अर्चना, जननी जन्म देने वाली माता। दुर्जय यानी जिसे जीतना कठिन हो। सुरभि यानी सुगंध। शाश्वत यानी अमर सनातन। आलोक होता है प्रकाश। शिखा प्रकाश की लो। अर्चना यानी प्रार्थना। अब देखेंगे अनुभव विस्तार में हम सबसे पहले दिया हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें एक नंबर में दिया हमको का नंबर का सही जोड़ी बनाना है। कर्मभूमि मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कर्मभूमि हमारी क्या है, भारत। कर्मभूमि हमारी क्या है, भारत, ये का नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। मुकुट हिमालय, ये हो जाएगा हमारा खा नंबर का। इस प्रकार के संस्कृति, संस्कृति हमारा हो जाएगा सुरभि, जेगा नंबर का। और ज्योति क्या हो जाएगा, शिखा। इसी प्रकार से हम देखेंगे खा नंबर का, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले दिया है जीवन, जीवन खाली स्थान चढ़ाकर आराधना करेंगे, तो क्या चढ़ाकर करेंगे हम, जीवन में आ जाएगा हमारा सुमन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सुमन। उसी प्रकार से तू प्राण है हमारी, खालिस्तान समान है तू, खालिस्तान में क्या जाएगा हमारा, जननी। उसी प्रकार से देखेंगे तीसरा नंबर का, वह देश है हमारा, खालिस्तान कर सहेंगे, क्या हो जाएगा, पुकार, ललकार, पुकार ना होके हमारा हो जाएगा ललकार। इसी प्रकार से देखेंगे हम आलोक का पथिक, खालिस्तान जो खालिस्तान चल रहा है क्या, अविराम, हो जाएगा हमारा चौथा नंबर का। अब हम देखेंगे पाठ चार, अभिनंदनीय भारत का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। सबसे पहले दिया हमको ए जन्मभूमि भारत, इसके बाद हमको डेटेज लगा करके सबसे अंतिम वाली पंक्ति लिखना है, जीवन नहीं रहेंगे हम अर्चना करेंगे। सबसे पहले दिया हमको संदर्भ, संदर्भ में हमको तीन चीज देखने को रहता है, सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का नाम और पाठ का नाम और उसका कवि का नाम आता है, जिसमें दिया है प्रस्तुत उपन्यास हमारी पाठ्य पुस्तक शुभम भारती की कविता अभिनंदनीय भारत से ली गई है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियाँ भारत को जन्मभूमि और कर्मभूमि की पूजा के रूप में उसकी गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखेंगे हम व्याख्या, कवि के अनुसार हे जन्मभूमि, हम जन्म जन्मांतर तक अपनी इस जन्मभूमि और कर्मभूमि भारत की पूजा करते रहेंगे, हम अपने जीवन का बलिदान देकर भी मातृभूमि की रक्षा करते रहेंगे, भारत भूमि का इतिहास हमेशा से गौरवशाली रहा है, जिसका मुकुट हिमालय है, जो सारी दुनिया में जगमगा रहा है, भारत में हजारों रत्नों से भरा हुआ सागर उसके तेज हो रहा है, इस जन्मभूमि के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें उसकी पूजा करना चाहते हैं, हमको एक ही अभ्यास अभ्यास करना है। इसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्री प्रश्नोत्तर। अब हम पढ़ेंगे पाठ चार अभिनंदनीय भारत का अति लघु उत्तरी प्रश्न। पहला है प्रश्न का नंबर का, कर्म भूमि का अर्थ क्या है, उत्तर होगा हमारा जहां हम काम करते हैं वह हमारी कर्म भूमि कहलाती है। प्रश्न नंबर का, कभी जन्म जन्म भर किसकी वंदना करने की बात कहता है,
उत्तर होगा भारत की वंदना करने की बात कहता है। प्रश्न नंबर डा, भारत का मुकुट किसे कहते हैं? उत्तर होगा भारत का मुकुट हिमालय को कहते हैं। प्रश्न नंबर का सागर की अंजली में क्या है? उत्तर होगा हमारा सागर की अंजली में रत्न है। प्रश्न नंबर डा, स्वतंत्रता का दीपक किस तरह जल रहा है? उत्तर होगा स्वतंत्रता का दीपक शाश्वत निरंतर जल रहा है। इसके बाद देखेंगे हम लघु त्रि प्रश्न। लघु त्रि प्रश्न, प्रश्न नंबर का, जन्म भूमि और कर्म भूमि से कवि का क्या आशय है? उत्तर होगा हमारा कवि कहने का तात्पर्य है कि उसने भारत जैसे महान देश में जन्म लेने का गौरव हुआ है, इसी देश को उसने अपनी कर्म भूमि भी बनाया है, अर्थात देश के लिए काम करते हुए जिएगा और उसी के लिए अपने प्राण निर्वाह भी करेगा। इस प्रकार से देखेंगे हम प्रश्न नंबर गा, प्रश्न नंबर खा हमको नहीं करना है। प्रश्न नंबर गा है हमारा, देश की सीमाओं के संदर्भ में कभी ललकार का क्या कहना चाहता है? उसका उत्तर होगा देश की सीमाओं के बारे में कभी कहता है कि उसे ऐसे महान देश में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ जिसका मुकुट विशाल हिमालय है और हजारों रत्नों से संपन्न सागर उसके पैर धो रहा है। वह बलिदान देकर भी उसके गौरव और इसकी सीमाओं की रक्षा करेगा। इसी प्रकार देखेंगे हम प्रश्न नंबर नौ, संस्कृति को दुर्जय सी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध यानी अजय है, कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर पाया है, इसे नाते में दुर्जय है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इसको आपको शुद्ध करना है, जैसे विशाल लिखा हुआ है, हिमालय, शाश्वत, अविराम और अंजलि, तो इनको आपको बुक में से ढूंढ करके शुद्ध रूप करके इसके लिखना है। जैसे विशाल लिखा है, इसको अपन क्या होगा विशाल, हिमालय हमें बड़ी की मात्रा है तो ये हाथ में कौन सी छोटी की मात्रा हो जाएगी, इसी प्रकार से इनको आपको करना है, ये हो जाएगा आपका होमवर्क है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर छः देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया है हमको जन्म भूमि, तो हमारा इसको वाक्य में हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत भूमि हमारी जन्म भूमि है। स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता की रक्षा हम करेंगे। फिर दिया हमको साधना, कोई भी काम बिना साधना के नहीं होता। दीप, मंदिर में दीप जलाया गया। आलोक, इस कविता के आलोक के सामने सभी तत्व फीके हैं। अब देखेंगे हम नीचे आते हैं, यहीं पर उपसर्ग के बारे में दिया है, जिसकी पहली परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात जो शब्दों के पूर्व शब्दांश जो जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तब यहाँ ऊपर देखेंगे हम उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, जैसे दू धन गुण जो हो जाएगा हमारा दुर्गुण, ये क्या है नया शब्द बन के आया है, तो यहाँ पे दू हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग है। इसी प्रकार से अवधन गुण क्या हो जाएगा अवगुण, सद धन गुण बराबर सदगुण, सधन गुण बराबर क्या हो जाएगा सगुण, निधन गुण बराबर से निर्गुण। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे हमने इनको अलग अलग लिखा है वैसे ही आपको इनको अलग अलग लिखना है। जैसे अनुकूल, तो अनुधनकूल, पराजय पराधनजय, विक्रम विधनक्रम, उपयोग उपधन योग, अपधनकार अपकार, अनुधन सार अनुसार,
अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखना है। तो ये जन्म, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका जन्म हो जाएगा। हिंदी में कैसे लिखोगे इसको, जन्म, ऐसा, ये आपका जन्म। रत्न, तो हो जाएगा आपका रत्न। कर्म, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कर्म। इस प्रकार से धर्म, धर्म धाखाली धर्म, मामी ऊपर आखिर एक प्राण, प्राण। इस प्रकार से चरण, तो ये हो जाएगा चरण। और प्रवीण, तो हो जाएगा प्रवीण। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची आपको उसके शब्द लिखना है। जैसे सागर, सागर को क्या बोलते हैं हम, समुद्र बोलते हैं, है ना, समुद्र। और क्या बोलते हैं, सलील। इसी प्रकार से पवन को क्या बोलते हैं, हवा। हवा और क्या बोलते हैं, वायु, है ना। जग को क्या बोलेंगे, संसार और दुनिया, और दुनिया। जननी माँ या माता। सुमन को क्या बोलेंगे हम, फूल और पुष्प। अभी हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है।